वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। तो हमें करना क्या है, इस तरह से हमें दो वृत्त दिए हैं, एक है 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, दूसरा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। क्वेश्चन में कहता है कि पहले हमें जो इन दोनों वृत्तों की परिधि निकालनी है, ठीक है, कि जो हमें ये दोनों वृत्त दिए हैं पहले हम इसकी परिधि निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे, वहां से हम लोग जो ये तीसरा वृत्त बनेगा इसकी त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले वृत्त ए की परिधि, वृत्त ए की परिधि जो कि 2πr, ठीक है, आप त्रिज्या को r1 r2 भी कर सकते हो, ठीक है, जो होगा 2 × 22/7 = 19, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, 2 × 19 करो, ये होगा 38, पाई की वैल्यू है 22/7, तो आप पाई ले लो उसको, ठीक है, ये हो गया 38 पाई सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की निकालेंगे, वृत्त बी की परिधि यानी कि 2πr, तो 2 × r, r कितना है 9, पाई को वैसे रहने दो, ठीक है, हो गया 18 पाई सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि जो तीसरा हमारा वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो इनकी जो परिधि है उसके योग के बराबर होगा। तो वृत्त ए की परिधि प्लस वृत्त बी की परिधि, तो ये आ गई हमारे पास 38 पाई प्लस 18 पाई, तो ये हमारा हो गया 56 पाई, ओके। तो अब आपने क्या करना, देखो जो आपकी ये परिधि आई है उसको आपने जो हमारा ये तीसरा वृत्त है उसकी परिधि के बराबर पुट करना है, ठीक है। तो 56π = 2πr, पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 56 = 2r। अब r चाहिए ना, r = 56/2, 28, तो r हमारा आ गया 28 सेंटीमीटर। तो जो ये तीसरा वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या होगी 28 सेंटीमीटर।